हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। फॉर माय रिक्वेस्ट आप जानते ही हैं, प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं फिर क्लास 8 का लेके चला हूँ। पॉलीगॉन में मैंने कुछ छोड़ दिया था, बीच में 7 क्लास का कुछ मैं विशेष बता रहा था ऑन रिक्वेस्ट। अब एक्चुअली देखिए, ये पॉलीगॉन जो है इस पर कुछ बात करेंगे। देखिए कुछ फिगर्स हैं, इस तरह से फिगर आपको दिए हुए रहेंगे और यहाँ पे आपको जो है एंगल्स निकालने हैं। तो देखिए, ये पॉलीगॉन में इस तरह के दो फिगर्स हमारा है। ये क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ, जैसे फर्स्ट फिगर में आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, यह फिगर 2 है, इसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी निकालना है। आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप इसको थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे। तो देखिए, जब भी ये पॉलीगॉन है, ऐसे पॉलीगॉन नहीं रहता तो ये ट्राइंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो पॉलीगॉन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो ट्राइंगल में देखिए यहाँ पे सब दिया, ये एक्स है, ये जेड है और यहाँ पे आपको ये वाई है, ये 40 है, ये 90 है। एक एंगल यहाँ पे देख रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है। यदि इसको आप ए बी सी को एक ट्रायंगल लेके चलते हैं तो ये एंगल ए कहलाता है, ये बी कहलाएगा, ये सी कहलाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये एंगल ए, ये बी और ये एंगल सी कहलाता है। और अभी जो हम लोग, ये देखिए आपका ये एंगल ए, ये बी और ये एंगल सी, तो ये तीन आपके एंगल्स हैं। तो ये ट्रायंगल के हिसाब से आप लेके चलते हैं। और यदि नहीं तो आप एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे ये यदि सी हमको मालूम हो जाएगा तो हम लोग बाकी एक्स वाई जेड आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ इन द गिवन फिगर लिखेंगे, इन द फिगर, इन फिगर वन, इन फिगर वन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये क्या होगा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आप लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर, देखिए इन द गिवन फिगर वन आप लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इसका फॉर्मूला होता है ये टोटल 2n-4 राइट एंगल्स, एंड राइट एंगल्स। तो यहां पर देख रहे हैं 2n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, यहां पे 3 है तो 2 into 3 minus 4 into राइट एंगल्स मीन्स 90, 6 में से 4 चला गया, 4 into 9 दैट इज 180 डिग्री। और आप ऐसे भी जानते हैं कि ये ट्रायंगल है तो इसका तीनों एंगल मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे एंगल ए दैट इज 90, एंगल बी दैट इज 40 एंड दैट इज एंगल सी, तब मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। और इसको दिस इंप्लाइज आप आगे लिखेंगे, यहां पे जगह कम है, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस, ये दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, 180 ये हो गया 130, मिला करके आपको आएगा ये 50 डिग्री, ये आपका आ गया 50 डिग्री एंगल सी। अब देखेंगे देयरफॉर आप लिखेंगे यहां पे सीधा सीधा है ना, ये एंगल एक्स दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा आपका 180-40। क्यों होगा मैं बता रहा हूं, तब तक आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे, ये आपको हो जाएगा 140। वाई इज इक्वल टू आपका, वाई इक्वल टू आएगा 180, अभी ये सी हमने क्या निकाला 50, तो 180-50 दैट इज आएगा 130। एंड जेड इज इक्वल टू आपको क्या आएगा, जेड इक्वल टू आएगा 180-90, ये आएगा 180-90 दैट इज हो जाएगा 90। देयरफॉर आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तीनों को ऐड कर देंगे, ये कितना आएगा आप देख लेंगे, ये आपको एक आंसर हो गया। क्यों हुआ, ये लीनियर पेयर है। देखिए आपको हमने पहले भी बताया कि यदि कोई एक लाइन है, इस पर यदि कोई एक दूसरा लाइन इस पर खड़ा है तो ये दोनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है, इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, सम ऑफ लीनियर पेयर वो 180 होता है। इसमें यदि आपको ऐसा भी है, एक लाइन है, एक लाइन यहाँ भी है, एक लाइन इसी पॉइंट पर है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों मिला करके भी आपको कितना होगा, 180 ही होगा, इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है। ये फिगर वन हो गया। अब इन फिगर टू आप करेंगे, इन फिगर टू आप टू में देखेंगे उसी तरह से यहां पर क्या होगा, टोटल आपको जो टोटल सम ऑफ एंगल्स होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यहां पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2n-4, एन यहाँ पर 4 है, 1, 2, 3, 4 साइड है, 2, 4 8, 8-4 दैट इज 4 राइट एंगल, दैट इज 4 into 90, सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। देयरफॉर आप लिखेंगे यहाँ पे, आपको कौन सा एंगल नहीं दिया हुआ, देखिए ये 50 दिया हुआ, ये 90 दिया, ये 130 दिया, ये नहीं मालूम है, तो एंगल डी इज इक्वल टू आप सीधे करेंगे, एंगल डी इज इक्वल टू आपका टोटल 360 होता है, माइनस ये सबको ऐड कर दिए, 90 इसको इसको ऐड कर देंगे, ये 180 प्लस 90 270, तो ये आपका 270 माइनस हो जाएगा, आपको बच जाएगा ये 90, ये आपका दूसरा जो एंगल है ये 90 डिग्री आया।
देयरफॉर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना होगा, लीनियर पेयर बस वही जो चलता है, ये प्लस ये दोनों मिलाकर 180 होगा, दैट इज 180 माइनस दूसरा एंगल आपका 130 है, ये हो गया आपका 50। सिमिलरली आप y इज इक्वल टू कितना होगा, ये y है ये 90 है, दैट इज 180 माइनस 90 दैट इज आपका आएगा 90। आपको z यदि निकालेंगे तो z इक्वल टू आपका कितना आएगा, चलिए इसको बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो z z इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, z आपका यहाँ पर है दैट इज 180 माइनस 50, ये आपका आएगा 180 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू आएगा 130। एंड t t इज कहाँ पर, यहाँ पर है, ये एंगल हमने निकाला d, d एंगल 90 निकाला है, तो ये आपको हो जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90। देयरफॉर आप लिखेंगे x प्लस y प्लस z प्लस t, आप इस चारों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर आप देखेंगे कितना आएगा, 140 यहाँ पर हुआ और 90, 140 90 आपको 230 260 360 ये कितना आएगा आपका 360, ये आंसर। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए हैं, समझते हैं तो काइंडली शेयर एंड लाइक जरूर करें, नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन आप रिपीट करें, मैं फिर से एक वीडियो और बना के डालूंगा। थैंक यू सो मच।